नमस्कार। तो आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि इलाहाबाद और इलाहाबाद के एफिलेटेड कॉलेज की, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कल काफ़ी सारे मैसेजेस आए कि सीएमपी का तो आ गया है, लेकिन क्या आईएसडीसी का आएगा, कब आएगा और कैसे कैसे प्रक्रियाएं होंगी, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। साथ ही साथ में बीएलएलबी की जो कट ऑफ है वो जल्दी रिलीज हो चुकी है, बीएससी और बीए की भी कट ऑफ हम यहाँ पर देखेंगे। और साथ ही साथ में बता दूं कि इलाहाबाद का मेन कैंपस और एफिलेटेड कॉलेज के भी यहाँ पे कट ऑफ कई कोर्सेज के जारी कर दी गई है। तो एट द लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम लास्ट तक देंगे। थोड़ी सी आपको यहाँ पे मैनेज करना होगा क्योंकि थोड़े से वॉइस जो है वो आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंस हो सकती है क्योंकि गला बैठा है, तो उसमें थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। देखिए, पहले इन्फॉर्मेशन है कि बीएससी मेन कैंपस की अपडेट यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। बीएससी बायो की कल आएगी कट ऑफ, यानी कल की डेट में 2 तारीख को यहाँ पे कट ऑफ रिलीज होगी। जनरल को छोड़कर सभी की आएगी कट ऑफ, यानी जनरल की जो कट ऑफ है वो हालांकि बताया जा रहा है कि सीटें जो हैं वो फुल हो गई हैं, लेकिन हो सकता है कल की डेट में जो आएगा वो जनरल को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी की कट ऑफ वो निकाली जाएगी। वही में बीएससी होम साइंस की बात करूँ तो बीएससी होम का जो रिपीट का जो कट ऑफ है वो रिपीट हो सकता है और कल आएगा इसका भी कट ऑफ, तो बीएससी होम साइंस का, ठीक है। साथ ही साथ में बीएससी मैथ की मैं बात करूं तो बीएससी मैथ का जो कल होगा खाका तैयार और परसों तक, यानी 3 दिसंबर तक ये आने की सूचना है, यानी बीएससी मैथ की जो कट ऑफ है वो 3 तारीख तक आएगी। और जनरल को छोड़कर कुछ सीटों पर सभी की कट ऑफ जो है वो आने की सूचना यहाँ पर मिल चुकी है। थोड़ी सी मैनेज कीजिएगा आवाज़, मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। अलार्मिंग सूचना यहाँ पर ईश्वरचरण डिग्री कॉलेज की मैं बात करूँ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए काफ़ी सारी कन्फ्यूजन था। मैंने आपको बताया था कि सीएमपी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी इस समय हो रहा है तो 2 तारीख वो लास्ट डेट दी गई है। जब आप फीस रिसिप्ट निकालते हैं तो उसमें आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट दिया होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसके डेट के मध्य में आपको जाके वहाँ पर अपना वेरिफिकेशन करा लेना होता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। ईश्वरचरण डिग्री कॉलेज के बाद बात करता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तारीख की घोषणा नहीं की गई है, तो परेशान ना होइए, ईश्वरचरण की जैसे ही तारीख की घोषणा की जाएगी हम यहाँ पे आपको बता देंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि कम से कम 10 दिन पहले सूचना जाएगी पब्लिक डोमेन में। मतलब मान लीजिए कि आज 1 तारीख है तो 10 तारीख तक यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आज की डेट में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा कि 10 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो 10 दिन पहले आपको पता चल जाएगा। सो डोंट वरी, ठीक है, 10 दिन पहले आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। फिजिकल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए चरणबद्ध तरीके से बुलाए जाएंगे छात्र, यानी कोर्स वाइज यहाँ पे छात्रों को बुलाया जाएगा, सो इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। वहीं मैं बात करूँ ईश्वरचरण डिग्री कॉलेज प्रवेश अपडेट की, तो 1 दिसंबर 2020 के लिए कट ऑफ जो निकाली गई है, देखिए बीए की मैं बात करता हूँ तो प्रवेश केवल दिनांक 1 दिसंबर 2020 को बंद रहेगा और 2 दिसंबर 2020 के लिए प्रवेश कट ऑफ 1 दिसंबर 2020 को जारी होगा। यहाँ पे प्रवेश केवल 20 को बंद रहेगा, 2 दिसंबर 2020 के प्रवेश के लिए कट ऑफ। तो ये जो कट ऑफ जारी की गई है वो 2 दिसंबर के लिए जारी की गई है। मैं बीएससी मैथ की बात करूँ तो बीएससी मैथ की जो कट ऑफ गई है वो 43 गई है, 43, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। वहीं एससी और एसटी ऑल अपीयर कैंडिडेट को बुला लिया गया है। और बीएससी मैथ की मैं बात करूँ तो बीएससी मैथ का जो एडमिशन का समय है वो प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, जो भी सीट होने भरने से पहले हो, ठीक है। वहीं बीएससी बायो की बात करते बीएससी बायो की जो कट ऑफ गई है वो 100 गई है, ठीक है, अबव ऑल कैटेगरी, यानी बीएससी बायो जो करना चाहते हैं वो ऑल कैटेगरी अगर आपका है 100 है या फिर उससे प्लस है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, जबकि एससी के ऑल कैटेगरी को बुला लिया गया है। वहीं बीएससी होम साइंस की बात करूँ तो ऑल अपीयर कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया है। देखिए बीएससी बायो एंड बीएससी होम साइंस जो एडमिशन है वो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बेसिकली जो बीकॉम की कट ऑफ जारी की गई है उसमें एसटी और एससी के सभी अपीयर कैंडिडेट को बुला लिया गया है। वहीं मैं बात करूं कि बीकॉम के एडमिशन का जो समय है सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, सीट भरने से पहले जो भी हो। यहाँ पे बीवो के लिए मैं बात करूं ऑटोमोबाइल एंड फूड प्रोसेसिंग की, तो इंटर पास सभी अभ्यर्थियों को बुला लिया गया है। फॉर मोर डिटेल्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो विजिट isdc.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। सीएमपी डिग्री कॉलेज की अपडेट बात करूँ तो 1 दिसंबर के लिए काउंसलिंग के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। बीएलएलबी की जो कट ऑफ है वो वापस से जारी की गई है। ऑल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई है वो 180 गई है, यानी सभी कैटेगरी के लिए 180 गई है और उससे अबव, जबकि ऑल अपीयर एसटी कैंडिडेट को बुला लिया गया है। वहीं मैं बीए की बात करूँ तो बीए की जो ओबीसी के लिए कट ऑफ गई है, कैटेगरी के लिए कट ऑफ गई है, 107 गई है, ठीक है, 107 एंड अबव, जबकि एससी के लिए जो कट ऑफ गई है वो 104 गई है एंड अबव, जबकि ऑल अपीयर एसटी कैंडिडेट को बुला लिया गया है। वहीं मैं बीसीए की बात करूँ तो ऑल कैटेगरी के लिए 68 गई है एंड अबव, जबकि ऑल अपीयर ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी के कैंडिडेट को बुला लिया गया है।
तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपको पसंद आई होगी, सही लगा होगा। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी मैं अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, मैं कोशिश करता हूँ कि दिन में एक ही वीडियो आए और एक ही वीडियो के माध्यम से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से पहुँच जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। इसी तरह प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच।